दीक्षा और उनके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे वो इधर से सुनता हूँ, इधर सारे उड़ जाते हैं। फरहा बता रहे हो या धान कट रहा होगा? सागर सिंह चोर या सिकंदर कह लो घूमो, देखो जहां पंडित मिल जाए उसे गोली मार दो, बच्चा छीन के लेके आओ। और तू जानता है तेरा काम अब दोस्तों इधर देखिए, माली बैठा है जिस बच्चे को ले गया था, आज वो धीरे धीरे शहरा हो जाता रहे, आगे क्या होता कहानी गौर गौर काका राम 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 बेटा। और भैया कोरोना जो लगा गल्ला मिलत है, हाँ पढ़ाई होता ही नहीं है, गल्ला मिलत है तो हम खा लेते कोटेदार। कोटेदारन का गई यू देखो, कोटेदारन का खेल खाजे शक्कर पी गए तेल। ओ नमस्ते, और बताओ ठीक है? हाँ बढ़िया पिताजी हैं। काय सामने तो बैठे मैं संकोच में हो गया था, क्या आप कौन सा प्रश्न उठाएंगे? बोलो बेटा, बेटा।
इंटर का हो तो, इंटर का हो तो दसवां में यहाँ पास ही हुई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। दसवां दसवां क्लास होता है। बताओ दसवां भैया सरकार के फीस अरे चलो फीस के पैसा बचे है। अब सारे क्या भैया नौकरी ढूंढा करिए, अपने घर की बिजनेस शुरू कर दो। कौन बड़का वाला बंगला ले लो किराए पे है, जाने में हम मद्दी मद्दी बर्फ खरीद के हम बगलम लगा दियो चाट पैसा का महीने के। ए खोजो बर्फ लगावे वाली चीज है। हमारे पिताजी को तुम क्या समझ रखे हैं? बेवकूफ समझते हो हमारे बापू को? कहे वो बर्फ गल न जाए। ठीक है पिताजी, वो अपने घर में लगा। और कल कल हमें जाना है पिताजी, आगे पढ़ने की इच्छा तुम्हारी बेटा। अब कहाँ कहाँ पढ़ने जाना है तुम्हें? बेटा हमारे तो बहुत 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 कठिन बात है। कठिन बात है। ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं कहीं ना कहीं से कोई जुगाड़ जरूर करूंगा। शुक्रिया। थैंक यू बाबू। मेरे पास नहीं है, लेकिन हम जब तक कि हम तैयारी करते हैं और आप कहीं से जुगाड़ बना करके जरूर लाएंगे। ठीक है। अच्छा बताओ, तुम जाओ तैयारी करो और कहीं पर कोई व्यवस्था करता। ठाकुर साहब बैठे हैं। नौकर सागर सिंह का है, इसे फोन लगा। हमें यार तुम जानते हो, एक साल हो गया। पंद्रह तारीख है। पंद्रह तारीख क्या नहीं आएगी क्या? अब हाँ बिटिया क्या हमारी जो नहीं समझो, ये हमारे और गांव के तीन बहुत बड़े बनावट है। ये हमारे लौंडे बच्चे बड़ा रुपा खर्चा कर रुपा आशिक पंचायत परी पक पंचायत परी बाबक पंचायत परी अपनी पंचायत कर लिया वो परी, लेकिन बर्थडे हर साल मनावत क्यों कहा? ऐसा है अगर वो लोग मार रहे हैं तो उनकी बात ही खत्म है, इसलिए जो जिंदा है उन्हीं का ये बर्थडे होता है। एक हम जिंदम दसवा करवा दो। अभी हुआ तो नहीं है, पता नहीं घर वाले कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। ये तो बात सही है। चार दिन या सरकार हम मर गए। तलवार लाओ। चार दिन हम जब मरे। अच्छा मर गए हमारे कोई लोग। अच्छा जब मर गए सरकार। जब मर गए सरकार। हाँ जब हम मर गए तो हमका टिकटिम बांध के लेके झारखंड वाला और हमका शरम लेकर दे ये कटना मार बबुरे क्या थमरा हमरे छत्तम धरे वो मारी हमरे गड़े। अच्छा बड़कवा लौंडे काहे तुम क्रिया बैठो? तुम यार भाई सेवा ले हो चारा कटनी मशीन ले हो तो छोटका लौंडा कहे न तुम बैठो तुम टक्कर ताजी ले हो हमारे हम रेट खा रहे। अच्छा वो अब प्रिया कोनो नहीं बैठा हम जीत के सारे कोई क्रिया न वो जम खुदे पर ताकत तो बड़ी रहा जो बोटाई झिंगली अब उसके बाद बोर हो तो
याली सो रहे थे। पहले भोर हुई और और बंदा परवर सागर सिंह कहां है मेरे हरे दम कतका जा कह दो कि हमारी बेटी ज्योति का जन्मदिवस है। ठीक है, अभी जा रहा हूँ। जाओ जाओ, जाओ, जाओ। क्यों तुम्हारा विवाह खड़ा है? ठीक है, इधर मधुमाली अपनी पत्नी के वियोग में जल रहा है और सागर सिंह खबर लेकर पहुंचते हैं आगे क्या होता है। क्या बात भैया, कैसे आए? जाना चाहते हो? सुनो, और फूल ले करके चलो ठाकुर तुम्हें बुला। तू जा आना है, कोर्ट में आए।
तुमको। ये कहो कोई औजार नहीं था, अपने साले को काट डाल। अरे बस साले तो केटुआ दबा देते। अब फिर आएगा तलवार वलवार और पाखा का पिटा रखो। हाँ हाँ धरा इधर सागर से निफाद कर जाता है। और देखिए ज्वाला सिंह से क्या कहता है, कहने गौर करें। सागर सिंह बेइज्जती करा कर जाता है और देखिए ज्वाला सिंह बैठे हैं। तुम हर वक्त इतने दुबले पतले के रहते हो। अपन देही सिकोरे हैं। अच्छा अच्छा, ये देही तुम कब खुलाते हैं? जाने हम खुलाए जब प्रैया करी तब छापन देही। अच्छा, इसीलिए हमें तरस आ रहा है तुम्हें मारते रहे। मारते नहीं क्योंकि दुबले पतले हैं। साले, हमारे नौकरों साले आदमी लग रहे हो। ठाकुर साहब नमस्कार। तो ठाकुर साहब पड़ा चल पारे सागर सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पहली गलती तुम्हें माफ करता हूं। ठाकुर ज्वाला सिंह
कभी कायर इंसान हवेली के अंदर नहीं रखता है और ना है तो घायल घोड़ा रखता है। हराम सागर सिंह इसके हाथ खोलो जरा से। ठाकुर साहब जो तुमने मेरी पत्नी के साथ किया है हम तुम्हारा खून पी जाएंगे। तुम ठहरो तड़फो चिल्लाओ मत। नथो माली तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम जो चाहते हैं जानते हैं तुम कुत्तों से गिरे गए गुजरे हो। जमान में लगाम लगा लो तो ठीक होगा। न्याय करके जमान साले तुमने आ रही गठा लगा लिए सोच ले क्या करोगे। कौन मुझे कितने दिन जिंदा रहना है कौन और पर हम अपनी सोचो। ठाकुर सागर सिंह पूछो इस कुत्ते से कौन सा पैर तूने जमींदार के ऊपर चलाया है। ये वाला मारा है मैंने ये वाला। हाँ ये वाला ज्वाला सिंह एक आग है तार तार को जला करके राख बना देता है। तू सोलो सागर सिंह इस हराम दादी को ले जाओ और जो पैर हम पे उठा के मार दो हमारी रियासत के अंदर के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। ठाकुर ज्वाला सिंह से पैर उठाया था पैर कटवा दिया गया बीच चौर है पैसे साले का छोड़ देना। अरे बच्चा साला तेज साला कपड़ा मार दिया साला हमसे लात उठा दिया बड़ा गलत की साले लात कमर मार के मुंह पर नहीं मार दिया क्या। नौकर ये बात चार दीवारी के अंदर है बेइज्जती करवा दी और ये बात इस दीवार के उस पार ले जाना चाहिए। अगर ये बात अट गई तो बेटे दो गोली है। हरगिज नहीं किसी नहीं कहेंगे हरगिज ममता सरकार करे हम कहना नहीं किसी बेइज्जती करवा ले बेइज्जती Yeah!
लथवा, जब तू अपनी कटी हुई दांत देखेगा तो कन्याकुमारी मुल्क पंजाब नरेश ज्वाला सिंह की तुम्हें याद आएगी। मैं तो तुझे मौत के घाट उतार देता लेकिन उतारूंगा नहीं। क्या? जब तू अपनी कटी हुई दांत देखेगा तो ज्वाला सिंह की दुश्मनी तुझे याद आएगी और याद तब तक आएगी जब तक तेरी मौत नहीं होगी। हरा हरा जी, ये क्या हो गया? हजारे पिता कुल हजारे पिता, आपको क्या हुआ है बता दीजिए। सुर्ख सारी यहाँ की जमी हो गई, दिल में ठाठ रख बताए। हमारे जन्म से पहले की दास्तान बता रहे हो कि हमारे जन्म से पहले हमारी माँ का स्वर्गवास हो गया तो बेटा जन्म कैसे हुआ बाबा? बेटा अब तू अगर सुनना चाहता है तो सुन। तू मेरी औलाद नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? मैं एक दिन मुरझाए हुए फूल दरिया के किनारे गया था, दरिया में डालने के लिए नहीं पिरोने के लिए, और तू नदी के किनारे मुझे पड़ा मिला था। और तेरी माँ को, तेरी माँ ने ठाकुर साहब के यहाँ बेटी का जन्मदिन है था, उसरो फूल लेकर गई और तेरी माँ की वो इज्जत से खेल कर और तेरी माँ स्वर्गवास हो गया। उसी याद में आज उसकी बेटी का जन्मदिन था और मैंने फूल ले जाने में इनकार किया और मेरे गुस्सा आ गए। मैं ठाकुर ज्वाला सिंह को एक लात मार दिया, उसने मेरा अपना पैर कटवा लिया। बेटा बाबू हमारी माँ की इज्जत से खेल कर हमारी माँ को स्वर्गवासी बना दिया। मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही तो फांसी लगाकर मर गई। बाबू पैदा करने वाले से पालने वाला किम ज्यादा होता है बाबू? जी बताओ ज्वाला सिंह कौन सा इंसान है? ज्वाला सिंह ठाकुर ज्वाला सिंह जिसके रियाया में हम लोग रह रहे हैं, जमींदार यहाँ का, यानी वही एक जो कुछ चाहे वो करते। हाँ बेटा बाबू वो ठाकुर ने हमारी माँ की इज्जत से खेलकर स्वर्गवासी बना दिया, हमारे बाप का पांव काट करके फेंक दिया। बाप चलो मैं तुम्हारा पहले इलाज करवाता हूँ, उसके बाद उस ठाकुर से मैं बदल चुका हूँ बाबा, जरूर बदल चुका हूँ बाबा।